नेहा जी, आपकी कौन सी संस्था चल रही है? हाँ मैम, मेरी ये जो संस्था है ह्यूमन एलिमेंट्री लीडिंग प्रोग्रेसिव फेडरेशन, अच्छा, बेसिकली हेल्प। तो अभी ये सब क्या है, मतलब ये पोटली किस चीज के लिए बनाई जा रही है और क्या करने का मन देखिए है मैम, आपका? आपको जैसे पता है कि शाहजहांपुर में भी अपने डेंगू का प्रकोप इस टाइम पे बहुत हाँ बड़े स्तर पे फैला हुआ है, तो मेरे माइंड में एक बात आई, तो मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया कि हम इस चीज़ में क्या योगदान दे सकते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। हाँ तो फिर हम लोग ऐसे ही गूगल पे स्क्रॉल करने लगे, तो एक वीडियो मेरे सामने आया जो VVC का था, ठीक है। तो वो वीडियो तेलंगाना से था, तो वो लोग वहाँ क्या करते थे कि एक मतलब इसी तरीके की वेस्टेज कपड़े से ऑयल बॉल्स वो इस्तेमाल कर रहे थे मच्छरों को रोकने के लिए। तो उसको कैसे बना सकते हैं, ये जो पुराना कपड़ा जैसे हम लोगों ने ले लिया रुमाल के साइज में, इसको हमें काटना है, और रुमाल के साइज में काटने के बाद इसमें लगभग 50 ग्राम ये लकड़ी का बुरादा है जो इजीली मार्केट में हाँ अवेलेबल है और कोई हाँ बहुत ज्यादा कॉस्ट में नहीं मिलेगा हमें। तो इसको हमने इसमें भर दिया और इसको एक पोटली टाइप की इस तरीके से बांध दी, ठीक है। और उसके बाद इस पोटली को हमने जो वेस्ट ऑयल हमारा होता है, हाँ देखिए जहां नाले बंद हैं वहां के लिए मैं कहूंगी कि हम मोबिल ऑयल जो गड़ा मतलब जलावा होता है हाँ गाड़ियों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कारगर है। आपने पुराने टाइम में भी देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे, अगर जैसे मच्छर अच्छर हो रहे हैं तो वो मिट्टी के तेल का हाँ थोड़ा सा वो छिड़काव कंडे कर पे डाल दिया, देते, हाँ जला डाल दिया, देते थे। तो उससे हाँ मच्छर हाँ भाग जाते थे, तो वो डाल सकते हैं मोबिल ऑयल में। इसको हमने सोक करके रख दिया ये थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से तेल को सोक कर लेगा अपने हाँ अंदर, और जब हम इसको ठहरे हुए पानी में डालेंगे तो ठहरे हुए पानी में ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऑयल रिलीज करके उस पे परत सी जमा हो जाएगी। हाँ तो वो परत क्या काम करती है, वाटर से ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है, तो जो लार्वा हमारा पनप रहा है उस पानी में डेंगू का वो मर जाएगा, मर जाएगा तो डेंगू कम कम फैलेगा, ठीक है। फैलेगा। और जो खुले स्थानों पे जो पॉन्ड्स वगैरह है जहाँ पे बेसिकली जानवर पानी पी लेते हैं, तो वहां के लिए हम जो यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि जानवर अगर पानी पिए तो उसको नुकसान ना हो। तो यूज्ड आपको ऑयल कहाँ से मिलेगा देखिए वेजिटेबल ऑयल? बहुत सारा मिल जाता है, अगर हम लोग कोशिश करें तो हलवाई जो है ये लोग वेस्ट ऑयल जो हाँ होता है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में जला हुआ ऑयल है तो वो हाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी बड़ी बड़ी फूड फैक्ट्रीज चल रही हैं उसमें हाँ वेजिटेबल ऑयल यूज होता है, तो जो मतलब उनके पास टनों के भाव हमें हाँ आई थिंक वो निकलता है, तो वो उनसे कांटेक्ट करके वो लिया जा सकता है। तो मुझे ये बड़ा सरल और बहुत सस्ता उपाय बजट में। लगा, हाँ हाँ। और ये मतलब हम लोगों ने इसका उपयोग किया है गांव वगैरह में, हम लोगों ने पहले हमने जब ये वीडियो देखा फिर हमने सोचा कि हम एक बार इसको करके देखते हैं, तो वाकई में हमें लगता है कि ये कारगर है। अच्छा हाँ तो मैं अपने आसपास के जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अपने आसपास कहीं भी वो पानी देखें कि भरा हुआ है और मच्छर या गंदगी पनप रही है, तो वो इस तरीके के ऑयल बॉल घर में भी तैयार कर सकते हैं, घर में तैयार करके इसको वहां डाल दें, तो जिससे मच्छर को पनपने से रोकेंगे और डेंगू भी कम कम फैलेगा, फैलेगा, ये एक क्योंकि मुहिम अभी चला डेंगू गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा ये भी है कि ये बजट में है। देखिए ये जो हाँ ये सोक्ड बोल अब ये बनाई, सॉक्ड ऑयल बॉल्स हैं, सोक, इसको हम डाल देंगे हाँ तो इससे वो तो परत जो इसमें मैंने कौन बताई, सा ऑयल आपने यूज इसमें किया? हमने कुछ मोबिल ऑयल की हाँ तैयार करी है, कुछ हमने वेजिटेबल ऑयल्स की तैयार करी है, अच्छा हाँ। अच्छा तो ये दोनों तरीके की हैं, जो बंद नाले हैं हम अपने एनजीओ की तरफ से भी ये मुहिम चला रहे हैं कि जितनी जगह पे हमारा एनजीओ के थ्रू पहुंच जाए ये वहां हम डलवा दें। बाकी आप लोगों से सबसे अपील है मेरी कि आप लोग ये काम जहां भी पानी इकट्ठा देखें वहां ये काम अगर करें तो हम लोग डेंगू को रोकने में काफी हद तक तो सहायक होंगे। मोस्टली ये वेस्टेज से बना है, क्योंकि कपड़े ये सबके घरों में जो वेस्ट हो जाते हैं वो रखे रहते हैं, और ये जो है ये लकड़ी तो का लकड़ी की, बुरादा, यहाँ हाँ लकड़ी का बुरादा है, तो जहाँ लकड़ी का काम होता है वहां पे हाँ भी इजीली इजिली मिल मिल जाएगा, जाता है। फिलहाल आप अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये बोल्स की जरूरत पड़ेगी तो आप नेहा सक्सेना जी से कांटेक्ट भी कर जी जी सकते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल 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 तो आप उनको हेल्प कर सकते जी हैं बिल्कुल इसमें। तो बिल्कुल यहाँ पे ये बन ही रहे हैं कि एनजीओ की तरफ से ये बोल्स बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसी तरह की मदद की जरूरत है तो भी आप आ सकते हैं। दूसरा, ये सबसे ज्यादा डेंगू इस टाइम फैला हुआ है, जिससे लगभग लोग जो हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हाँ लगभग ये 15-20 दिन का जी सर्कल बिल्कुल जी रहेगा, बिल्कुल जी है ना? बिल्कुल जी तो बिल्कुल आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट ईयर में हाँ कुछ ने पहले से प्री प्लान? बिल्कुल डेफिनेटली ये आइडिया अगर हमने निकाला है तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जब बरसाती सीजन स्टार्ट होने वाला होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं या हाँ जो भी मतलब सरकारी अधिकारी जुड़े हुए हैं उनके उनसे थोड़ी सी सहायता अगर हमें मिले तो ये पहले से ही हम काम स्टार्ट करा दें, ताकि जो प्रॉब्लम अब हम लोग हाँ फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम का मौका ही ना आए। फॉगिंग की जगह पे भी अगर नगर निगम में ये चीजें इस्तेमाल होंगी तो शायद ज्यादा लाभकारी होंगी, लोगों हाँ को वाकई में जो डेंगू फैल रहा है उससे निजात मिल सकेगी। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपको एक कांटेक्ट नंबर मेंशन करेंगे, उस पर जाकर आप अगर कॉल करते हैं तो आपसे कांटेक्ट हो जी जाएगा बिल्कुल, और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। धन्यवाद।